किसी माई के लाल में, किसी माई के लाल में यह साहस नहीं है कि राइफल का नाल निकाल के और राइफल लेके सड़क पर घूमे। याद है ना, याद है ना, लालू जी और रावड़ी जी के राज में जो रंगदार लोग थे राष्ट्रीय जनता दल के, स्कॉर्पियो का पिछला दोनों शीशा उतार के दो राइफल इधर और दो राइफल इधर का नाल बाहर निकाल के और आगे बैठा हुआ व्यक्ति डंडा भांजते हुए चलता था, लोगों को आतंकित करने का काम करता था, लोगों को डराने का काम करता था। कहां कौन अनहोनी घटना हो जाए इसका किसी को सबको अंदेशा रहता था। कोई अगर बाजार हट गया है, जब तक वो घर लौट कर नहीं आता था, घर के अभिभावक दरवाजे पर बैठ के उसका इंतजार करते थे। ये राज था। मुझको सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं आपका 5 वर्ष तक आपका सांसद था और जो जिम्मेवारी 5 वर्ष तक सांसद के रूप में आपने मुझको दी, उसका ईमानदारी पूर्वक मैंने निर्वाह किया। हर क्षेत्र का मैंने विकास करने का काम किया है और आज हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये पूरा नदी कानी का इलाका, पूरा चानन का इलाका सुखाड़ से ग्रसित रहता था। मैंने सिंचाई की सारी योजनाएं कराई और इस सब के बावजूद यह मेरा जो योजना था, यह जो मेरी सोच थी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आप लोगों को मालूम है, 2005 से बिहार में शासन कर रहे हैं और 2005 से बिहार में जो बदलाव इन्होंने लाया, जो सड़क के क्षेत्र में, जो बिजली के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में और इस सबसे ज्यादा जो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो इन्होंने बदलाव लाया, आज उसके कारण बिहारी कहलाना सम्मान का भाव है, बिहारी कहलाना अपमान नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता थे लालू प्रसाद जी, लराबड़ी देवी जी, 15 साल उनका शासन था। मानिकपुर के लोगों को, नए नौजवानों को नहीं पता होगा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उन्होंने महसूस किया होगा, कोई आदमी मानिकपुर के इलाके से और नदी कानी के इलाके से 4 बजे 5 बजे शाम के बाद घर से निकलने का साहस नहीं करता था। कहां कौन अनहोनी घटना हो जाए इसका किसी को सबको अंदेशा रहता था। कोई अगर बाजार हट गया है, जब तक वो घर लौट कर नहीं आता था, घर के अभिभावक दरवाजे पर बैठ के उसका इंतजार करते थे। ये राज था। याद है ना, याद है ना, लालू जी और रावड़ी जी के राज में जो रंगदार लोग थे राष्ट्रीय जनता दल के, स्कॉर्पियो का पिछला दोनों शीशा उतार के दो राइफल इधर और दो राइफल इधर का नाल बाहर निकाल के और आगे बैठा हुआ व्यक्ति डंडा भांजते हुए चलता था, लोगों को आतंकित करने का काम करता था, लोगों को डराने का काम करता था। नीतीश कुमार जी 18 साल से बिहार का शासन कर रहे हैं, किसी माई के लाल में, किसी माई के लाल में यह साहस नहीं है कि राइफल का नाल निकाल के और राइफल लेके सड़क पर घूमे। यह नीतीश कुमार जी का सुशासन है, यह नीतीश कुमार जी का काम है। तो इसलिए आज फिर चुनाव है और उस चुनाव में कुछ लोग लेके घूम रहे हैं, बिजली जल रही है, चकाचक बिजली जल रही है, और आज कुछ लोग फिर से लालटेन राज में बिहार को वापस लाना चाहते हैं, 18 साल पहले ले जाना चाहते हैं। आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको सचेत रहने की जरूरत है। मैं आपका सांसद हूं, मुझको फिर से नीतीश कुमार जी ने यहां से चुनाव लड़ने के लिए प्राधिकृत किया है। मैं आपको ये भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि जैसे 5 साल पहले मैंने जो काम किया है, आगे भी 5 साल पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ आपके क्षेत्र के विकास में गति देने का काम करूंगा।